नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल एडिट्स में। दोस्तों, ऑनलाइन कैलीग्राफी कोचिंग क्लासेस के ज़रिए इन्फिनाइट प्रिंटर एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी डिटेल्स मैंने आज तक आप लोगों को प्रोवाइड की है, बट वो सिर्फ कैलीग्राफी से ही सीमित है। तो कैलीग्राफी के अलावा इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जब भी टाइम मिलेगा इसके ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाकर आपके लिए लाएंगे, और पिछला एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया है, टेक्सचर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ब्रश को यूज़ करके। वैसे सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ करके दिखाया था, बाकी बहुत सारे ऐसे ब्रशेस हैं जिसके ज़रिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर जो है बना सकते हैं इसमें। फिलहाल आज के इस वीडियो में बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेंटर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद अब आपको जो साइज़ दी गई है, अगर ये साइज़ आपको नहीं चाहिए तो टेम्पलेट्स में आप दूसरी साइज़ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए वो आप यहाँ पे फिल टूल की मदद से फिल कर सकते हैं। सॉलिड में चाहिए तो सॉलिड आप ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। या फिर आप यहाँ पे कलर चेंज करके ये कलर रख सकते हैं, या फिर ये कोई भी आप यहाँ पे प्रीफिक्स कलर भी है तो उसी में से आप कोई एक कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट का भी, लाइनर का भी ऑप्शन मिलता है तो उसके ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे दो कलर चूज़ करने का आपको ऑप्शंस मिलता है, ये देखिए इस तरीके से आप दो कलर चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे रेडियल का भी ऑप्शन है, ये देखिए उसको आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके ज़रिए आप बैकग्राउंड भी इसमें बना सकते हैं। अब मान लो ये हमें बैकग्राउंड पसंद आ गया, उसके बाद आप ब्रश में जाके बहुत सारे डिज़ाइन ब्रशेस है और भी बहुत सारे ब्रशेस है जिनको यूज़ करके आप बढ़िया बैकग्राउंड यहाँ पे बना सकते हैं। ग्लो इफ़ेक्ट में जाके देखिए ये भी ब्रश आपके बहुत काम का है। ये सेंटर में आप इसके ऊपर कोई भी कैलीग्राफी नाम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। उसके बाद फूल वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, ये देखिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शंस है, ये भी ये है। इसमें भी आप कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी सी साइज़ इसकी मैं बढ़ा लेता हूँ, ये देखिए तो ये इस टाइप का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप नई लेयर पे काम करोगे तो बहुत बढ़िया ये वर्क जो है हो जाएगा। इसके बाद कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर ब्रश के सेटिंग्स में जाकर आप इसका जो जिटर जो सेटिंग्स है, जिटर की सेटिंग्स वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर जो कलर से आपके ब्रशेस में आ जाएंगे, डिफरेंट कलर बहुत ज़्यादा करने पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर दिखाई देता है। इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड बहुत इजी कर सकते हैं। और भी ब्रश यहाँ पर अवेलेबल है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं सेम इसी टाइप से। ये देखिए ये भी ब्रश बहुत काम का है, नई लेयर में आप इसको बना लीजिए, बहुत बढ़िया दिखाई देगा। साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं हम लोग, ये देखिए इस तरीके से, और कलर भी सेम उसी टाइप से। अगर हम इसे जिटर की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा ह्यू इसका बढ़ा दिया जाए तो ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया वर्क कर सकता है। इसके ज़रिए हम बहुत बढ़िया कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो ये देखिए और भी बहुत सारे ब्रशेस हैं जिनकी मदद से बैकग्राउंड्स बना सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया है सेम इसी तरीके से। ये देखिए मैं सारी लेयर्स को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, ये देखिए हाइड, और उसके बाद नई लेयर बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो ब्रश है बहुत बढ़िया है, इसकी भी सेटिंग्स में चेंज करके आप जो जिटर इफ़ेक्ट है उसकी मदद से डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है बना सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया दिखाई देता है। मैंने बहुत ट्राई किया है, और ये जो ब्रश है, ये जो सेटिंग्स है, ये जो बैकग्राउंड बनाने का तरीका है बहुत बढ़िया यहाँ पर, ये देखिए कितना बढ़िया। और इसी को आप यहाँ पे जाके जो नॉर्मल यहाँ पे लिखा है वो ब्लेंडिंग मोड है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप बहुत बढ़िया कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे बहुत सारे इसके लिए आइडियाज़ आने बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।